अजनाला कांड के उपर केंद्रीय गृह मंत्रालय हुण हो गया सख्त। देखो किवें अमृतपाल सिंह दे वल्लों कीतियां गईयां ये तमाम कार्रवाइयां दे उपर बाज अख रख रहा है केंद्रीय गृह मंत्रालय। चकदे टीवी दे नाल तुसीं जुड़ चुके हो प्यार भरी सत श्री अकाल, मैं हाँ सुखबीर सिंह शेरगल। वड्डी खबर तुहाडे नाल सांझी करन लगे हाँ, अजनाला कांड ते केंद्रीय गृह मंत्रालय वालों हुण सख्ती दिखाई जा रही है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले तो मिली जानकारी मुताबक अजनाला थाने ते हमले नूं लैके MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने पंजाब पुलिस ते IB तो रिपोर्ट मंगी है। दस्सिया भी जा रहा कि अमृतपाल सिंह दीआं सरगर्मियां नूं लैके केंद्रीय गृह मंत्रालय जिहड़ा सुरक्षा एजेंसियां दे संपर्क दे विच लगातार है। सूत्रों मुताबक ये भी जानकारी निकल के सामने आई कि IB ने घटनाक्रम के संबंध के एक विस्थारित रिपोर्ट तैयार करके केंद्रीय गृह मंत्रालय के उच्च अधिकारियों को सौंप भी दी है। दसणयोग है कि अजनाला पुलिस वालों बीते दिन ही वारस पंजाब के जथेबंदी के लवप्रीत सिंह तूफान को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरोध में अमृतपाल सिंह के वलों अजनाला थाने का समर्थकों समेत घराओ किया गया। इस दौरान अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने थाने पर कब्जा भी कर लिया। इतने ये भी दसणयोग है कि अमृतपाल सिंह के वलों थाने के घराओ मौके पालकी साहब नाल लैके जाने चौफेरियों उन्हों का विरोध भी हो रहा है। इस सब के दरमियान शुक्रवार को पुलिस वालों गिरफ़्तार किए गए लवप्रीत सिंह तूफान को रिहा कर दिया गया है। रिहा होने तो बाद लवप्रीत सिंह तूफान ने कहा कि सिख कौम को इकट्ठे होकर रहने की लोड़ है। तूफान ने यह भी कहा कि सिख होने के नाते उन्हों का पूरा सत्कार पुलिस प्रशासन के वलों किया गया, इसलिए वो सारे पुलिस अफसर का धन्यवाद भी करते हैं। अजनाला थाने दे विच हुई झड़प दौरान पंजाब के DGP गौरव यादव ने सख्त एक्शन लैण की गल आखी सी। उत्थे पत्रकारां दे नाल गलबात करदे होए DGP ने यह भी कहा कि उन्हां नूं पहला शांतिपूर्वक प्रदर्शन करन की गल आखी गई, पर बाद दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की आड़ दे विच हिंसक कार्रवाई नूं अंजाम दिता गया। उन्हां कहा कि पंजाब पुलिस ने पूरी सूझबूझ तो कम लिया अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के माण सत्कार नूं मर्यादा नूं कायम पुलिस प्रशासन के वल्लों रखा गया। पुलिस मुखी ने कहा कि इस झड़प दौरान 6 मुलजम भी जख्मी हुए ने। उन्होंने जानकारी दिंदिया कहा कि मुलजमान के बयान के उपर सख्त कार्रवाई जी है वो अमल के लिया जाएगी। सो हुण केंद्रीय गृह मंत्रालय जिहड़ा है उसके वलों भी सख्ती दिखाई जा रही है। IB दे कोलों रिपोर्ट मंगी गई है, पुलिस प्रशासन के कोलों रिपोर्ट मंगी गई है कि कुछ इस रिपोर्ट के विचों निकलेगा, की सिटे निकलेंगे, कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के वलों इस दे उपर कोई सख्त एक्शन लैण की तैयारी की जा रही है, कि पंजाब पुलिस नूं इस दीआं हदायतां मिल गईआं कि अमृतपाल सिंह नूं गिरफ़्तार करके कोई वड्डी कार्रवाई करन दी ताकत दे विच केंद्र सरकार फिर रही है। आने वाले समय दे विच इन्हां तमाम सवालों के जवाब जिहड़े ने वो लोगों सामने स्पष्ट रूप दे विच आ जाणगे। फिलहाल दे लई वड्डी अपडेट है कि केंद्र सरकार जिहड़ी है, केंद्र गृह मंत्रालय जिहड़ा है, उस दे वलों सख्ती दिखाई जा रही है कि इस मामले दे विच एड्डा वड्डा घटनाक्रम जिहड़ा होया है अजनाला कांड, उस दे विच कित्थे कमी खामी रह गई जिहड़ा लोकां दे वलों एक थाने दा घराओ किया गया अमृतपाल सिंह दे वलों अपने साथी नूं छुड़वाउण दे लई एड्डी वड्डी कार्रवाई नूं अमली जामा पहनाया गया। आने वाले समय दे विच तमाम जानकारियां इस खबर बाबत भी तुहाडे नाल जरूर सांझियां कर दित्तियां जाणगियां। फिलहाल दे लई अजिहियां वड्डियां खबरां लगातार तुहाडे तक पहुँच करदियां रहिण, इस दे लई चकदे टीवी दे नाल जुड़े रहो। धन्यवाद।